खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां पहली बारिश में स्मार्ट सिटी की खुली पोल, नगर निगम में जलभराव देख जनता परेशान। स्मार्ट सिटी के दावे फेल, अधिकारियों की खुली पोल, केवल कागजों पर चालू स्मार्ट सिटी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े ऑफिस, जिला अधिकारी कार्यालय, जिला अस्पताल, एसएसपी ऑफिस, एसपी सिटी ऑफिस जैसे प्रमुख अधिकारियों के ऑफिसों में जलभराव हो जाता है, जो कि निकालने की कोशिश व्यवस्था नहीं है। स्मार्ट सिटी के दावे फेल होते शहर के बाजार इंडिया के पास चौपला रोड का नाला, चौक नाले में पॉलीथिन कूड़ा गंदगी से भरा हुआ है। बड़ा बाजार, पुराना रोडवेज सहित प्रमुख स्थानों पर जलभराव है। जवाहर पैलेस, टक्कर की पुलिया व अहमद अली तालाब, सुभाष नगर सहित लगभग सभी नाले हुए चौक, हर जगह जलभराव। शहरवासियों का जीना हुआ बेहाल, घरों में भरा पानी। नगर निगम पर लगाए आरोप, कहा कागजों में चल रहा काम, पहली बारिश ने खोली सारी दावों की हकीकत। वहीं स्थानीय निवासी शोएब का कहना है कि पहली बारिश में 4 फीट से अधिक पानी भर गया है। हमारे मलूकपुर में पिछले 70 साल से जलभराव की परेशानी से गुजर रहे हैं और हमारा स्मार्ट सिटी में भी आता है, लेकिन नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं की है जिससे जलभराव से निजात मिल सके। मैं चाहता हूं कि पानी का जो वहां भरा हुआ होता है, ये पानी भाव बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये और पानी का पानी भाव खत्म बिल्कुल नहीं होता उस जगह पे ना। इस समय पानी जहाँ का मुझे मालूम है, जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने आपको बताया अहमद तालाब पे आपसे 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है, अभी भरा हुआ है, आप जाकर देख आइए। नगर निगम उस चीज़ को बिल्कुल भी किसी चीज़ की भी कहीं तवज्जो नहीं करती है। इससे पहले सभा की थी नगर निगम ने, और फिर एक बार सभा होती है 5 साल में, उसके बाद कोई सभा का जगह नहीं होता वहाँ पे। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।